ये सिर्फ एक टाइमिंग है हम्म हम्म ये से नहीं चलेगा तो ये जो मैंने सिर्फ एक गेंद का ही है ये लिखूंगा आनंद दूंगा बात करूंगा ये भी बात है दोनों लग रहा है ये भी कर लेंगे हमें टाइमिंग में बोलूंगा लेक्चर नंबर और आज की क्लास के दो एजेंडा हैं सबसे पहला एजेंडा हम जो करेंगे इनशाला वो है रिवर्सल अंडर री और प्लान टू सेल लेकिन 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 हमेशा की तरह सबसे पहले जो अब तलक जो हम पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज करेंगे बहुत ही अच्छे से इनशाला फिर बढ़ेंगे आगे सर डिवीजन क्यों करते हैं क्योंकि मुझे पता है आप सब जो है वो है शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है ना परेशान हो जाते हैं घूम जाते हैं तो सर सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पता चल जाए पहले कि भैया जो काम करने वाले हो सही है सर फिर दूसरे नंबर पे क्या करना है सर हमें हमने कहा कि सर स्कोप में सब पे अप्लाई होता है मेजरमेंट चेंज पे आई एफ आई एस ट्वेल्व हो गया आई एफ आर एस नाइन हो गया लीजिस हो गया सही है आई एस नाइनटीन हो गया इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट हो गया इनके ऊपर इसकी मेजरमेंट अप्लाई नहीं होती सर फिर और आगे बढ़ा और हमने पढ़ा कि सर इसके अंदर कौन से एसेट्स आते हैं वो एसेट्स आते हैं जिनके बारे में मैनेजमेंट ने सोच लिया हो कि अब इनको बेच करके ही बेचना ही है तो जो जो बेचने वाले उनके अंदर पांच बातें होती हैं कितनी बातें होती हैं पहली बात रेडी फॉर इमीजिएट सेल हो दूसरी बात हमने कहा कि मैनेजमेंट कमिटेड सेल हो सही है, तीसरी बात एक्टिव मार्केट हो चौथी बात सेल हाईली आपकी जो है प्रोबेबल हो प्राइस इज आपकी जो है वो रेलिवेंट होगी तब हमने कहा और हमने कहा चांसेस ऑफ का हो प्लान के चेंज कम हो फिर और आगे बढ़े थे और आगे बढ़ते हुए क्या पढ़ा था हमने हमने कहा था इनिशियली तो मेजरमेंट जब आप आई एफ आर एस फाइव से पहले आ रहे होते स्टैंडर्ड के हिसाब से कर दो आई एफ आर एस फाइव में आने के बाद लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल लेकिन जो जो लोअर ऑफ वाला रूल है ना कैरिंग अमाउंट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ये चेंज हो जाता है जब एसेट के अंदर इंपेयरमेंट पहले से हुई हो के के हुई हो या आई एफ आर एस फाइव के अंदर आके हुई देखिए सर नॉर्मल रूल लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल लेकिन अगर पहले से इंपेयरमेंट हुई भी हो या IFRS 5 में इंपेयरमेंट हो जाए एक दफा तब हमने का रूल हो जाता है आपको इसको रखना है लोअर ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट या फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ऐसा ही है सर तब ये रूल हमने इसके ऊपर पहले हमने ऑफ इंपेयरमेंट का समझा था लेक्चर नंबर आई थिंक टू में या थ्री में है ना सर थ्री में फिर हमने लेक्चर नंबर फोर में हमने देखा दोनों को मिलाया आज की क्लास में एक सवाल देखेंगे इन रिवर्सल अंडर रीवेल्युएशन मॉडल आईएस सिक्सटीन और दूसरा सवाल देखेंगे कि सर जब आपकी नीयत ही क्या हो जाए चेंज क्योंकि आमाल का दारो मदार किस पर है नीयतें तो चेंज होती रहती तो कोई मसले की बात नहीं है आ जाए सर तैयार हो ऑनलाइन वाले बच्चों कहते हैं सीसी तो हम बढ़ जाएंगे आगे क्योंकि तो मैं चाहता हूं कि आप लोग रहें साथ साथ तो देखें, जब तक आप लोग तब तक वो टीचर कहता है कि यार मैं रिकॉर्डिंग दे देता हूं समझ रहे तो मैं चाहता हूं कि हमारी एनर्जी बरकरार हो आपसे और आपसे देखो अभी तो फिर मौका है अभी सब चले जाओगे स्टॉक काउंट पे आउट स्टेशन समझ रहे हो फर्म के पैसों पर अयशियां करने तो उससे पहले पहले तक है ना जो है देखो इनशाला भी कह रहे हैं सही अच्छी बात है सर नहीं देखें जाहिर सी बात है देखो यही तो मतलब शशके होते हैं मतलब इस फील्ड की यही तो खासियत है तुम लोग भी इनशाला ऐसे ऐसे आओगे आई के को अब जितनी तुम कैफ लेवल पे बड़ा वाला कहते थे ना अब तुम देखना ऐसे तुम्हारी राय चेंज होने शुरू हो जाएगी अब जो गालियां तुम आई के को देते थे वो फम को दोगे सही है अब वो गालियां फम को दोगे आ जाए क्वेश्चन नंबर सेवन कर रहा हूं क्या है इसका सर कटावे कौन सा वे कटावे लिमिटेड ओन्स ओनली वन आइटम ऑफ पीपीई बींग प्लांट विच इट हैज कैरीड नहीं है ये कैरीड अंडर ली वैल्यूएशन मॉडल डिटेल्स ऑफ विच आर एस फॉलोस कॉस्ट कितनी थी एक जनवरी दो हजार एक को पांच लाख फेयर वैल्यू एक जनवरी दो हजार दो को कितनी थी आठ लाख डे कितनी थी बीस फीसदी क्या होता है? है नहीं तो मैंने तो मैं बताया भी था जिसके अंदर तुम एकटेडिएशन को उड़ा देते हो एक मैथड रिवैल का वैसा भी होता है जिसके अंदर आप कॉस्ट को हिला देते हो लेकिन हमने कहा ज्यादा अच्छा मैथड कौन सा है

For declassification as a non-current assets held for sale were met on this date. Following information was relevant on this date. Fair value kit thi sare cost to sell 50,000. As at December 2003, the following information was relevant. Kyati way relevant, fair value less cost to sell. 4,70,000. fair value less cost to sell. So all necessary journal entries. relevant to the above information disclose the effect on the statement of financial position and the statement of comprehensive income for the year ended 31 december 2003. Hmm. अब सब बच्चों ने इसको सुनना है समझना है अच्छे से एक दफा पढ़ लें कंपनी का बस model क्या है हमें पता है कौन सा है रीवैल्यूएशन मॉडल तो सब बच्चों को मैं दे रहा हूं दो मिनट जो जो हम नॉर्मल करते हैं वही है दो मिनट दे रहा हूं सब बच्चे मुझे एक अप्रैल 2003 तक की टोटल डेप्रिसिएशन वगैरह बता दें रिवेल्यूशन सर प्लस बता दें चलिए यहां तक उम्मीद करता हूँ कौन चलिए सर क्विकली समझ लेते हैं आप इस सवाल को उम्मीद करता हूँ आप सबने यहां तक जो है सही किया होगा अच्छा इंट्रीज मैंने नहीं बनाई लेकिन मैं आपकी आप कहेंगे तो मैं इन हम इसको बना भी सकते हैं कोई मसला नहीं अभी देख भी लेते हैं पहले मैं समझा दू क्योंकि पेपर में इंट्रीज यूजली बनाने के लिए नहीं आती तो शुरू के सवाल में मैंने बनाई ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर तो अब, अब हम आगे बढ़ेंगे ना तो हर चीज में अगर हमने इंट्रीज बनाने की आदत डाली जहां जरूरत होगी कॉन्सेप्ट तो आप क्या होगा सर आप थोड़ा सा उसकी आदत तो आपको बगैर कॉन्फिडेंस कम आएगा कॉन्फिडेंस कम आएगा तो पेपर में इतना टाइम नहीं होता तो सर आ जाए पीपी एक जनवरी दो हजार दो को देखें सवाल में क्या लिखा हुआ था कितने का था आठ लाख का मानते हो और टोटल उसने हमें बता दिया कि पांच साल उसकी लाइफ है सर ये बात उसने हमें कैसे बताई चिल्ला चिल्ला के ये उसने हमें ऐसे बताई कि भैया उसने कहा बीस फीसद पर एन एम हम उसकी क्या चार्ज करते हैं डेप्रिसिएशन कितने फीसद बीस फीसद जब हम उसकी डेप्रीसी बीस फीसद पर एन चार्ज करते हैं तो आठ लाख तो पांच साल लाइफ थी एक साल कॉस्ट जो है हमने कहा एक साल गुजर गया था जब हमने इसको रिवेल्यू किया तो चार साल बची थी तो आठ लाख डिवाइडेड बाई चार लाख चार साल कितना हुआ दो लाख की डेप्रिसिएशन है ठीक है ऐसा ही है सर छह लाख अब सुनिएगा ये फिगर मैं साथ में निकाल रहा हूं चार लाख की ये कैसे आई सर देखें एसेट जो है आठ लाख का रिवैल्यू होके हुआ था इनिशियली पांच लाख का था जब तुमने इसको 2001 में लिया था एक साल डेप्रिशिएट होने के बाद चार लाख का बचा होगा मानते हो तो हमने कहा चार लाख मान गए सर फिर हमने कहा चार लाख का था ये दो लाख की डेप्रिसिएशन आ गई मानते हो हमने कहा जब डेप्रिसिएशन आती है तो हमने कहा सर इसका एक इम्पैक्ट आता है वो किसके ऊपर आता है इंक्रीमेंटल का सरप्लस पे अब देखो यहां तक ये वर्किंग्स अगर तुमने यहाँ तक सही करनी है इन बहुत अच्छे है नहीं है तो मैं अब तुम्हें समझाने की खातिर ये वर्किंग को फिर से जो है एक देखो एंट्रीज की मदद में जा रहा हूं वरना मैंने क्या कहा इंट्रीज के बगैर अगर तुम कोई चीज देखो इंट्रीज कॉन्सेप्ट के लिए करनी है एज ए टीचर अक्सर सवालों में करूंगा लेकिन तुम्हें तो कोशिश करना है कहीं ना कहीं हमें क्लास में तैयारी करनी है पेपर की बगैर एंट्री के तुम्हारा तो हाथ चले क्योंकि पेपर में इतना टाइम नहीं होता सर हमने कहा पहली एंट्री कब बनाऊंगा अगर शुरू से चले तो कॉस्ट कब खरीदा कब था दो हजार एक पीपी डेबिट बैंक कितने से पांच लाख फिर अब आगे बढ़े हमने कहा सर इकतीस दिसंबर आया डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एकटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट कितने से एक लाख पांच लाख डिवाइडेड बाई पांच तो एसिड कितने का बचा था चार फिर हम आ गए एक जनवरी 2002 रीवैल्यू करने लगे हमने कहा हा कि हम क्या करेंगे सर हमने कहा हम इंट्री बनाएंगे सबसे पहले ये नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मदद की निशानी अक्यूमलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट पीपी कितने से एक लाख मानते हो सर हार हो जाती है जब मान लिया जाता है जीत तो तब होती है जब ठान लिया जाता है आ जाए सर आगे बढ़े और हमने कहा अगली चीज सब बच्चे पे हमने कहा रिवैल्यू कर लें चार लाख की चीज हो गई आठ लाख की पीपी डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस सर प्लस कितने से चार लाख चले सर फिर और आगे बढ़ते इकतीस दिसंबर को आगे साल के एंड पे है ना सर इकतीस दिसंबर को तो क्या एंट्री बनाई हमने 2002 कैंट्री क्या एंट्री बनेगी भैया डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमिलेटेडिएशन कितने से दो लाख आठ लाख का हो गया ये वाली इंट्री के बाद और हमने कहा चार साल लाइव बनी ऐसा ही है फिर अगली इंट्री क्या बनेगी रीवैल्यूएशन तो, री सरप्लस डेबिट Learning, चल लाख का सरप्लस था लाइफ भी चार साल बची थी कितने से सही है सर फिर आगे बढ़े अब हमने कहा एक अप्रैल दो हम इसको क्या करने वाले हैं ट्रांसफर तो एक अप्रैल 2003 तक की डेप्रीसिएशन हमने चार्ज की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट वो हमने निकाली हुई है ना एक्यूमिलेटेड डेप्रीसिएशन कितने से पचास हजार है ना सर तो पचास हजार से है तो ये जो हमने निकाली हुई है ना छे लाख को तो पचास था इंटू तीन दूसरा तरीका ये था कि हम सर सरप्लस को भी हम चाहते तो तीन लाख डिवाइडेड बाई तीन कर देते इंटू थ्री अपॉइंट चार लाख डिवाइड तो हम इसकी दूसरी एक और फ्यू क्या बना लेंगे रिवैल्युएशन सरप्लस डेबिट कितने से पच्चीस हजार है ना यहां तक हम पहुंच गए अब सब बच्चों ने देखना है सुनना है अब हम यहां तक पहुंच गए दो पिछहत्तर और साढ़े पांच मान गए अब सबने 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 देखना है हमने कहा सर बातें हैं एक अप्रैल 2003 कंपनी डिसाइडेड टू तो सेल दी प्लांट ऑल दी क्राइटेरिया नेसेसरी फॉर री क्लासिफिकेशन नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल मैट ऑन दिस डेट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वाज रेलेवेंट ऑन दिस डेट फेयर वैल्यू कितनी थी साढ़े छह लाख

2003 को फेयर वैल्यू कितनी होती छह लाख पचास हजार तो फिर से रीवैल्युएशन आ गई भाई फिर से सरप्लस आ गया कितने का आया साढ़े पांच लाख का तुम्हारे पास एसेट पहुंच चुका था अभी कॉपी नहीं करा बोर्ड पे देखो लाख रुपए का सरप्लस आ गया ऐसा ही है तो मैं यहां पर फिर से रीवेल्यूएशन सरप्लस एड कर दू एक अप्रैल को कितने का आ गया टोटल सरप्लस कितने का मुस्कुरा रहा है बैलेंस शीट में तीन पिचहतर क्या एंट्री बनाओगे तुम लोग एक अप्रैल 2003 को क्या एंट्री बनेगी भाई जल्दी बताओ सब बच्चे सबसे पहले तो यही नेट रिप्लेसमेंट वाली और डेपेशन पी, -पी, कितने से जल्दी हाँ हाँ हमने कहा पचास हुई थी ना अब तक की और ये दो लाख ढाई लाख टू फिफ्टी थाउजेंड है ना जी और अब आपने कहा सर दूसरी एंट्री क्या बनाऊंगा पीपी डेबिट रीवैल्यूएशन कितने से एक लाख मानते हो और जानते हो पक्की बात है बढ़ जाऊं क्या आगे अब सब बच्चे इधर देखेंगे तीन लाख पचहत्तर हजार साढ़े छह लाख पे आप यहां पर पहुंचे अब आप इसको किसमें क्लासीफाई कर देंगे आई एफ आर एस फाइव में इस दिन तक हमने एक अप्रैल तक देखो ना रीवैल्यू भी किया सही है इसके हिसाब से ट्रीटमेंट की पीपी -पी की अब आते हैं क्या एंट्री बनाऊंगा नॉन करंट एसेट सेल डेबिट और गी गी गी। पी कितने से साढ़े क्या मैं यहां तक क्लियर हूं अब हमने कहा आते ही मसला क्या मसला सब बच्चे इधर देखेंगे नौजवानों आते ही मसला यह हुआ कि ये तो आप क्या कहता है किस पे मेजर करोगे लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट कैरिंग अमाउंट किसके केस में साढ़े थे फेयर वैल्यू लेस कितनी थी वो पचास हजार तो अब हमने कहा इसको किसपे मेजर करना पड़ेगा साढ़े छ लाख भाई देखो ना ये आया ना तो हमने कहा फाइव तो कहता है कि अब अगर तुम मेरे पास आ गए हो तो मुझे आते ही किसमें मेजर करोगे लोवर पे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कैरिंग अमाउंट तो कैरिंग अमाउंट साढ़े छ और ये छाख छ पचास माइनस पचास तो सर ये एंट्री बुक कराएगा पीएनएल डेबिट नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल कितने से पचास हजार क्या सब बच्चे मेरे साथ हैं अभी कॉपी नहीं करना यहां तक हम क्लियर हैं अब आते हैं आगे बढ़ते हैं क्या करते हैं सर आगे बढ़ते हुए बहुत कुछ करते हुए हम एक काम करने वाले हैं क्या हमने कहा क्या हम हैं कह रहे हैं इकतीस दिसंबर दो हजार एंड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वाज रिलीवेंट लेस वैल्यूलेस टू सेल कितनी हो गई थी चार लाख तुम्हारे पास एसिड कितने से मुस्कुरा रहा था छह लाख से तुम मजीद इंपेयरमेंट रिकॉर्ड करोगे केस ए में केस ए के केस में आपने कहा इकतीस दिसंबर को छ लाख की चीज साढ़े के लाए थे छ लाख कितने की हो गई है चार सत्तर पी एन एल डेबिट नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल कितने से क्रेडिट तीस अभी कॉपी नहीं करना ये तो आपके दांतों की तरह साफ और शफाफ अब आगे आते हैं असल शरारत है जिसके लिए ये सवाल था केस पी। अब आप रिवर्स कर रहे हैं अब आप क्या कर रहे हैं सर रिवर्स कर रहे हैं लेकिन रिवर्सल करते वक्त क्या हो रहा है बताओ हमने कहा सर रिवर्सल करते वक्त अमाउंट अब बढ़ रही बढ़ रही तो कितनी बढ़ानी है कॉस्ट मॉडल या नॉर्मल केस में क्या एंट्री बनाते थे उसको कहां तक रोकते थे रिवर्सल को हिस्टोरिकल कॉस्ट या

सब इधर देख लेना नौजवानों ये कहता है फिर आप आ जाना उसके ऊपर वैल्यू एट विच ट्रांसफर्ड टू हेल्ड फॉर सेल जो कि होगा रीवैल्यूड वैल्यूड अमाउंट बिफोर ट्रांसफर है ना सर अब ये हिस्टोरिकल कॉस्ट नहीं है बिफोर ट्रांसफर डी अमाउंट कितनी थी साढ़े छ लाख मानते हो तो हमने अच्छा, कहा तो कितनी इस केस में आठ लाख तो अब हम रिवर्सल करेंगे तो किस वैल्यू पे करेंगे छ लाख पचास हजार तुम्हारे पास तुम्हारे पास एसेट इस एस और इस एंट्री के बाद कितने का हो गया था छह लाख का हो गया था तो बेसिकली इधर देख लो तुम रिवर्सल करोगे केस बी में क्या रिवर्सल होगा नॉन करंट एसेट डेबिट और कितने से पचास क्योंकि सर छह लाख का तो आपने पहले ही कर दिया था इसको है ना तो हमने कहा आप फिर साढ़े छे और छह का डिफरेंस अब यहां पर कॉपी नहीं करने एक बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ में आपका ध्यान लेकर जा रहा हूं सर देखें ये जब आप लगाएंगे ना रिवर्सल लोअर ऑफ में और ये होगा रिवेल्यूएशन मॉडल में किस में तो ये ऑटोमेटिकली उसी इंपेयरमेंट को रिवर्स करवाएगा उसी इंपेयरमेंट को रिवर्स करवाएगा जो हम यहां पर आए थे तो हमने कौन सी इंपेयरमेंट की थी यही रिवर्स हो गई क्योंकि अगर तुम अगर इसको पूरे यहां पर लेकर जाते तो तुम तो इसके अंडर आने के बाद भी इसको रीवैल्यू कर देते तो आई 16 बनाए पर एस5 में क्या फर्क हो जाता इसीलिए इसने क्या किया So, ये जो जो उसकी रिवैल्यूशन अमाउंट थी इसने कहा देखो आई एफ फाइव के आने के बाद ये ऑलरेडी रिवैल्यू होकर आया है तो 5 में आने के बाद जो आई है उसको तो रिवर्स कर दो लेकिन उसकी उस फेयर वैल्यू से बढ़ा नहीं देना जिसमें लास्ट टाइम वो फेयर वैल्यू पे होकर आया है जरा जल्दी से ये कॉपी कर लो फिर हम इसके एक्सट्रैक्ट बनाएंगे और नमाज का लेंगे ब्रेक पूरा बोर्ड बढ़ गया माशाल्लाह बेटा क्यूमलेटिव अगर इंपेयरमेंट होगी ना तो फिर हम उसमें वो इसमें सिर्फ आप देखोगे आई एफ आर एस फाइव के अंदर याद रख लोगे ना तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें फॉर हो जाएंगी सही है सर टेंशन ना लें तो इफेक्टिवली रीवैल्यूएशन मॉडल की जिस्ट याद रख लें आप कि ये कहता है कि भाई आई एफ आर एस फाइव में आने के बाद जो है ना रीवैल्यूएशन मजीद ना होनी चाहिए तो आप अफेरमेंट होगी और हो जाएंगे यहां पर सर अगर मैं समराइज करूं कॉस्ट मॉडल हो तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू तो सेल तो रिवर्सल कांस्टेंट है वहां पर जो हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट आ जाती है हिस्टोरिकल कॉस्ट हमने कहा वो होती है कि कभी एसिड ना हो यहाँ पर हिस्टोरिकल कॉस्ट का हमने कहा कॉन्सेप्ट को हमने चेंज किया और हमने कहा ये उस वैल्यू पे आ जाता है जिसपे आज ये जो फाइनल रिवैल्यू होके आ जाता है तो जो फाइनल आखिरी रिवॉल्यूशन अमाउंट होती है ना जिस पर जो बेसिकली ट्रांसफर की वैल्यू होती है उस पर ठीक है सर तो सर ये तो हमने ना इसका बेसिक और बुनियादी केस पढ़ लिए, कर लिया कॉपी बढ़ जाए आगे ट्रांसफर टू वैल्यू एट विच ट्रांसफर टू हेल्थ फॉर सेल ब्रैकेट में लिखा है रीवैल्यूड अमाउंट चले सर ये हमने बेसिकली अब तक सात सवाल किए आगे बढ़ रहा हूं और आगे बढ़ते हुए अगला जो हम कॉन्सेप्ट करने वाले हैं वो ये है कि अमाल का दारोमदार जैसे नियतों पर है आपने नियत की थी बेचने की एकदम से नियत बदल गई एकदम से नीयत बदल गई अब सर एग्जाम्पल से बात समझाए ना समझ बिल्कुल आपने कहा हमारी कंपनी की एक बिल्डिंग थी हमको उसको बेचना था आप बिल्डिंग को बेचने निकले अब आपके हिसाब से जो फेयर वैल्यू थी वो फेयर वैल्यू बिल्कुल ठीक है लेकिन इस वक्त मुल्क में हालात ही ऐसे चल रहे हैं कि जो प्रॉपर्टिया श्रोपर्टियां जिसे इस वक्त मुल्क हालात चल रहे हैं नहीं बिक रहे हर चीज क्या हुई हुई है सर स्टक हुई हुई है अब आपने अगर इसको बेचने के लिए हमने अलग किया हुआ है लेकिन बिकी नहीं रही हो ही नहीं रहा कुछ कर ही नहीं रहे तो डायरेक्टर्स की मीटिंग चल रही है बोला कि पत्थर पर लकीर थोड़ी है कसम थोड़ी खाई है कि भाई अभी बेचने की नीयत कर ली तो अभी बेचे हाँ नीयत पक्की थी तो नाम नीयत चेंज हो रही है अब अगर नीयत तुम्हारी चेंज हो रही है तो तुमको कोई मसला थोड़ी है कि वापस पलट जाने पे आई एफ आर एस फाइव से तो हो सकता है कि हम आई एफ आस फाइव में जाएं पक्की नीयत कर कर जाए और आई एफ एस फाइव से वापस भी आ जाए तो सर अगर ऐसा होगा तो क्या होगा ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है कि अगर मैं आई एफ आर एस फाइव में चला गया था और अब मेरे को जो वापस आना है तो मैं क्या करूंगा तो हमने हम कहते हैं चेंज इन प्लान टू सेल बेचने की नीयत थी अब नहीं है कोई मसला नहीं आ जाओ शुरू हो गई है हाँ? चलें सर एक काम ये करते हैं फिर नमाज के फौरन बाद इसको हम कंटिन्यू करते हैं। नहीं अभी बता दो चले सर अब हम पढ़ रहे हैं इसको सब बच्चे पहले मैं चाहता हूं कॉपी कर ले आई एफ आर एस फाइव में मैंने कहा ना आपकी नीयत चेंज हो गई आपने कहा भाई पहले बेचना था जरूरत आप बड़ी यूज कर रहे हैं आपने पूरी नीयत कर ली थी बेच एक महीना हो गया नहीं बिका मार्केट में थोड़ी डिस्केशन चल रही थी आपकी मशीन आपको बेचनी थी अब क्या हुआ सर अब जब आपने कहा मैं मैं वापसी मशीन जो है बेचना चाह रहा था मशीन नहीं बिकी तब तो आपने कहा यार अब बिकी नहीं रही पता नहीं आगे भी बिके ना बिके एक ऑर्डर आ गया अब आप कर रहे यार बस वापसी कर लेते हैं तो स्टैंडर्ड कहता है वापसी कर रहे हो तो वापसी करते हुए ये, 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 ये रूल याद रखना अगर आई एफ आर एस फाइव से वापसी कर रहे हो आई एस सोलह आई एस अड़तीस आई एस फोर्टी क्योंकि यूजली हमने कहा इसी में से चीजें आ रही होती है ना सर आई एस का है कॉस्ट मॉडल आई आई एस कॉस्ट मॉडल का मतलब क्या है आई एस फोर्टी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में दो मॉडल होते थे मेरा चंदा अगर आपको याद हो कॉस्ट मॉडल और फेयर वैल्यू मॉडल तो इसने कहा वापसी करते हुए इन दो पे करना के भाई हिस्टोरिकल कॉस्ट और री वैल्यूड अमाउंट और हमने कहा रिकवरेबल अमाउंट अब इस चीज को जरा हम पढ़ते हैं और समरी से अगर आपने कॉपी कर लिया है तो और फिर आगे बढ़ के इसका सवाल देखेंगे कर लिया कॉपी हाँ जी अच्छा जल्दी करो कॉपी चले सर अब मैं आ रहा हूं फिर से समरी में और सबरी में अगर आप देखेंगे सबसे पहले पेज पे मुस्कुराते हुए आपको स्वागत कर रहा है आपका चेंज टू प्लान चेंज और टू प्लान ऑफ सेल अगर आपने कहा आप बेचने का नियत नहीं है अब आपने कहा अब आप इसको यूज करने की वापस हो गई इफ आई एफ आर एस फाइव क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया नो लॉन्गर मैटर

Its carrying amount before such asset was classified as held for sale, adjusted for any depreciation, amortization, or devaluations that would have been recognized if the asset not been classified as held for sale and its recoverable amount at the date of the subsequent decision not to, to sale. this paragraph is.

तो आ जाए अब और हमने कहा अगली चीज क्या थी रिकवरेबल अमाउंट रिकवरेबल अमाउंट ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर फ्रॉम आई एफ आर एस फाइव रिकवरेबल अमाउंट ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर From आ जाए आगे बढ़ते हैं अब हमने कहा सर ये कॉन्सेप्ट की हमें समझ लगेगी जब हम किस में आ जाएंगे सवाल की तरफ तो अब हैंड आउट के हम सवाल नंबर एट पे आएंगे सवाल नंबर आठ The Smith company classified an asset as being held for sale on the December, 2006. Asset had been purchased for a cost of rupees 1.2 million on 1 January, 2004. And then had a remaining useful life, or then had a 12-year useful life. On the December, 2006, its carrying amount was 9 lakh.

They de decided to reverse the original decision and therefore use the asset in business at December 2007 the asset had a fair value of 8 lakh and expected sale cost 1 rupees director estimated that annual cash flows relating to the asset would be 2 ,00 ,000 per year for next 6 years effect of discounting is not a... डिस्काउंटिंग का अफेक्ट भी मटेरियल नहीं है और हमने कहा यह है तो आप सब बच्चे इधर देख लें सवाल को एक दफा फिर से पढ़ लें ताकि आप हजरात हो जाएं क्लियर क्रिस्टल वाले चले सर देख लिया चले अब आए सर सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं सवाल की तरफ हम सब गामजन हो रहे हैं सबकी तवज्जो बोर्ड पे सर हमने कहा कहानी कब से शुरू होगी इकतीस दिसंबर 2006 एक एम होता था जो कि मैं तुम्हें कराता था लेकिन तुम्हें याद नहीं होगा इंपेयरमेंट में मुझे पूरा यकीन है जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया जिनको मैंने नहीं पढ़ाया उनका तो अभी हम कुछ कह ही नहीं सकते लेकिन उन्होंने भी इनके टीचर ने सब टीचर अच्छे होते हैं कहीं ना कहीं बात पढ़ाई होगी लेकिन आप भूल हैं अभी समझ में आएगा सर देखें मुझे बताएं मुझे बताएं सब बच्चे बताएंगे ये बात जो कि हमने कहा इकतीस दिसंबर 2006 को अगर मैं हूं और इकतीस दिसंबर 2006 को इसने मुझे कैरिंग अमाउंट कितनी दे दी सब बच्चे बताएं नौ लाख कैरिंग अमाउंट कितनी दी है 9 लाख और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी दी है 8 60 और बीच 8 40 सब मुझे बताओ ये एसेट इंपेयर्ड हुआ या नहीं हुआ हो गया नहीं सर यही हब, अब अब सुनिएगा मैं यहां पर आपके एक कांसेप्ट रिवाइज कराता हूं ये कांसेप्ट नहीं भी हुआगा तो इंशाल्लाह आपको अभी समझ में आ जाएगा और फिर इंपेयरमेंट तो वैसे भी हमारे सिलेबस में है ही है स्टैंडर्ड कहता है इफ if... इसको लिखना कांसेप्ट को कहीं फेयर वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइंड उस केस में वैल्यू इन यूज इज रिकवरेबल अमाउंट ये कैमसी क्यों था एफ आई आर वन में जो मैंने करवाया भी था कि वो पूछता है कि बताओ और ये एक कॉन्सेप्ट इसी का अपोजिट कॉन्सेप्ट क्या है मेरा बच्चा सब बच्चे बोर्ड पे देखेंगे सही है सर सर याद है चले अच्छी बात है इफ अगली चीज जो सर में वैल्यू इन यूज कैन नॉट बी डिटरमाइंड अगर वैल्यू इन यूज डिटरमाइन नहीं होती तो मुझे बताएं याद है ना बेटा बताएं फेयर वैल्यू होगी रिकवरेबल अमाउंट यस या नो फेयर वैल्यू होगी रिकवरेबल अमाउंट नो सर बिल्कुल ठीक हमने कहा देन फेयर वैल्यू विल नॉट बी इक्वल टू रिकवरेबल अमाउंट उसने कहा देखो भैया अगर फेयर वैल्यू नहीं निकाल सकते कोई मसला नहीं है वैल्यू इन यूज रिकवरेबल अमाउंट लेकिन अगर वैल्यू इन यूज नहीं निकाल सकते तो फेयर वैल्यू रिकवरेबल अमाउंट नहीं है इसके पीछे की सर लॉजिक क्या है इसके पीछे की लॉजिक ये है कि भैया देखो अगर एक कैसे तुम्हारे इस्तेमाल के ही काम के नहीं है तुम तो उसकी नहीं निकलवा सकते बल नहीं निकाल सकते तो उसकी यार फेयर वैल्यू कैसे निकलेगी मार्केट में क्या वैल्यू होगी तो भाई क्योंकि मार्केट भी वैल्यू किस चीज के हिसाब से निकालती है यूजली अंदाजे के हिसाब से के इतना जो है हमें भैया ये एक वर्दी चीज है अब तुम खुद ही नहीं निकाल सक रहे कितना इस्तेमाल से बेनिफिट मिलेगा तो इसीलिए स्टैंडर्ड ने कहा भैया ये एक तरफ अड़ोड़े फेयर वैल्यू नहीं है वैल्यू न्यूज वैल्यू न्यूज क्योंकि ज्यादातर तो वैल्यून यूज तो इंपॉर्टेंट चीज होती है मरना तो नाइन परसेंट और मैं मोबाइल लें हमने कहा उसकी फेयर वैल्यू यूजुअली क्या हो जाती है कम लेकिन वैल्यू वैल्यूज उसको बचा देती है ना जब तुम वैल्यू न्यूज नहीं निकाल पा रहे कि इस्तेमाल से कितने बेनिफिट देगा तो स्टैंड कहता है फिर बाहर में जाए ऐसी चीज की फेयर वैल्यू फिर बाहर में जाए ऐसी जिस जिसकी तुम वैल्यू इन न्यूज ही नहीं निकाल पा रहे तो बेसिकली स्टैंड ने कहा असल चीज होवे है वैल्यू इन यूज क्या मैं यहां तक क्लियर हूं तब मुझे बताओ इकतीस दिसंबर दो को भाई इसको मैं किस पे ट्रांसफर करूंगा नौ लाख ,00 पे करूंगा या आठ लाख चालीस हजार सब बच्चे बताएंगे ये दो दिसंबर 2006 को किस पे क्लासिफाई होगा नौ लाख ,00 या आठ चालीस नौ लाख बिल्कुल ठीक है सर क्यों नौ लाख क्योंकि हमने कहा फेयर वैल्यू तो निकाल ही नहीं सकते तो आ जाए सर क्या एंट्री बनेगी और फेयर वैल्यू तो हमने क्या इंट्रव्यू बनेगी हाँ लेकिन ये रिवेल्यूशन मॉडल नहीं ना कॉस्ट मॉडल है नॉर्मल हाँ अगर रिवेल्यूशन मॉडल है तो मैं इसको फेयर वैल्यू पे लेकर आता क्या ये रिवेल्यूशन मॉडल है नहीं नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल कितने से नौ लाख अच्छा टोटल वैसे एसेट था कितने का मुझे बताओ बारह लाख ,00 का था तो आप कहेंगे पीपी बारह लाख और इसकी अब तक की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी होगी तीन लाख आपने एंट्री बना ली ठीक है सर सर फिर क्या करूंगा अब तुम इसको लेकर आ गए अब आई एफ आर एस फाइव क्या कहता है मेजर किस पे करना है लोवर ऑफ आई एफ आर एस फाइव की क्या रिक्वायरमेंट है लोवर नॉर्मल रिक्वायरमेंट क्या है लोवर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और कैरिंग अमाउंट मानते हो तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी है हमने कहा सर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है आठ चालीस तो अब हो जाएगा इंपेयर पी एन एल डेबिट नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल क्रेडिट कितने से हमने कहा नौ लाख माइनस एट सिक्सटी माइनस ट्वेंटी दैट इज साठ हजार मान गयो सर हार हो जाती है जब मान लिया जाता है जीत होती है जब ठान लिया जाता है लेकिन आपकी यहाँ पर हार नहीं होगी क्या मैं यहाँ तक क्लियर हूं वो भी क्रिस्टल वाला पक्की बात है चलें सर फिर और आगे बढ़ूंगा कॉपी कोई नहीं करेगा अभी रुक जाओ हाँ ये चीज अगर कॉपी नहीं की तो ये कॉपी कर लो जल्दी से ये कॉपी कर लो ताकि मैं इसको मिटा दूं क्योंकि तो ये फेयर वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट जो है ना अब हम रिवर्सल चले जी अगर आपने कॉपी कर लिया है तो मेरा बच्चा ये मिटा रहा हूं मैं ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई कैसे हुआ क्योंकि हमने इम्पेयर अगर ये कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता तो हम इसको यहाँ पर इम्पेयर कर देते ना आई एस सिक्सटीन के हिसाब से नाइन के हिसाब से इसको इम्पेयर नहीं किया पहले हम लेकर आगे बाद में इम्पेयर किया क्योंकि हमने कहा पेयर वैल्यू रिकवरेबल अमाउंट के बराबर नहीं होती एज पर आई एस सही है अगर होती बराबर तो ये इम्पेयर था यहाँ पर ही

डायरेक्टर ईयर फॉर अगले छह साल ये क्यों है? भाई तू रेट के चक्रो में नहीं पढ़ना तू रेट के चक्रो में नहीं पढ़ना और बगैर रेट के चक्रों में पढ़े हुए तू इस सवाल को कर ले अब इधर देख लेना सब बच्चे बहुत सिंपल है आपकी सोच से ज्यादा अब तुम जिस दिन ट्रांसफर कर लो देखो यहां पर आगे दो हजार छह को इसके बाद तुमने नौ लाख का था ये कम करके तुम इसको कितने पर कर दिया तुमने टोटल आठ चालीस अब आठ चालीस पे हुआ मुस्कुरा रहा है अब हमने कहा इस दिन जब इसको रिवर्स मारोगे तो ये वाला रूल आ जाएगा हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉस्ट मॉडल और डीवेल्यूड अमाउंट तो ये अमाउंट तो है नहीं दूसरी चीज क्या है तो अमाउंट ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर अब आ जाते हैं पहले ये चीज आसान है पासिंग मार्क्स अप्रोच रिकवर्ड अमाउंट में हमने कहा एक होती है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल तो उस दिन आप देखो इसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू तो सेल सवाल में देवेंगे में ने कितनी बन रही है भैया हमने कहा आठ लाख दस माइनस बीस कितना हो गया भैया जल्दी बताओ सात लाख नब्बे हजार है ना सर और हमने कहा रिकवरेबल वैल्यू इन यूज कितनी है इसने कहा एक लाख एक साल जो है दो लाख रुपए का बेनिफिट है और अगले छह साल इसने कहा प्रेजेंट वैल्यू निकालते हो तो वैल्यू वैल्यूजली प्रेजेंट वैल्यू होती है लेकिन इसने कहा कि इग्नोर मार हमने कहा मार देते हैं हमारे एक बला से तो वन पॉइंट टू तो रिकवरेबल तो अमाउंट तो आ गया वन पॉइंट टू है ना सर ये हो गया वन पॉइंट टू मिलियन मानते हो अब आते हैं सर अगर ये एसेट हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही होता तो क्या होता सब बच्चे इधर देख लेंगे नौजवानों अगर ये एसेट हिस्टोरिकल कॉस्ट पर ही होता तो हमने कहा कॉस्ट कितनी थी भैया वन पॉइंट टू मिलियन और इसकी अब तक की अक्यूमुलेटेड कब लिया था दो हजार चार में चार पांच छ सात चार साल से अगर ये डेप्रिशिएट हो जाता तो बारह लाख डिवाइडेड बाई बारह इंटू चार कितना हो गया तो टोटल तो आंसर कितना आया तो अब आप मुझे बताओ रिवर्सल करेंगे लोवर ऑफ और मतलब इसको ट्रांसफर करेंगे एट लोवर ऑफ आठ लाख और वन पॉइंट टू तो लोवर क्या है भैया लोवर क्या है तो इसमें क्या, किसमें नहीं नहीं सर इसका रिकवरेबल अमाउंट तो चंदा हायर ऑफ है ना रिकवरेबल अमाउंट तो क्या है सर हायर ऑफ है ऑनलाइन वाले बच्चों क्या आप लोग मेरे साथ हैं तो प्लीज एक दफा कहते हैं सर फिर सुन ले हमने कहा

तो एक जनवरी चार को लिया था इकतीस दिसंबर 2007 को आठ लाख का मुस्कुरा रहा होता बैलेंस शीट पे ऐसा ही और फिर हमने कहा रिकवर अमाउंट उसका था 1.2 तो लोअर आ गया लाख आपके पास बुक्स में पड़ा हुआ है कितने पे चालीस हजार अब हम क्या करने जा रहे हैं सर इधर देख लें हम करने जा रहे हैं पहले इसको मजीद इकतीस दिसंबर दो को मजीद ये मजीदेयर हो जाएगा कितने से कितने से इंपेयर होगा जल्दी से बताओ पी एन एल डेबिट और चालीस हजार से नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल क्रेडिट कितने से चालीस हजार मानते हो सर आठ चालीस माइनस आठ लाख सही है सर तो हमने कहा आठ चालीस माइनस आठ लाख और फिर हमने कहा इसको ट्रांसफर कर देंगे पीपी डेबिट नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल क्रेडिट आठ लाख तो सर फिर पूरे सवाल को अगर समराइज करूं कॉन्सेप्ट को जब भी आपको आई एफ आर एस फाइव से वापसी लेकर जाना हो आई एस सोलह में आई एस अड़तीस में आई एस फोर्टी में ये कॉन्सेप्ट आएगा कॉस्ट मॉडल पर अगर एसेट है तो हिस्टोरिकल कॉस्ट लोअर ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट और रिकवरेबल अमाउंट ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर और अगर रीवेल्युएशन मॉडल है तो वही लास्ट रिवैल्यूड अमाउंट जब ये, जब ये आई एफ में आया था रीवेल्यूड अमाउंट ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर जब ये ट्रांसफर होता है उस दिन क्या रीवेल्यूड अमाउंट होता तो आए सर अब हम आ जाते हैं अब हम आ जाते हैं और हमने कहा अब हम आगे बढ़ रहे हैं क्या ये सवाल सबको क्लियर हो गया लिख दें सी सी डी बेटा एक बच्चे ने कहा कि मैंने सर एक कंपाउंड अगर मैं बता दूं पीपी डेबिट कर दूं आठ लाख पी एन एल चालीस से और नॉन हेड फॉर सेल आठ चालीस से तो सही है सही है सर बेटा हम इसको लाए थे आठ साठ का एसिड था इसने बताया इस दिन बीस की सही साफे रुक जाए सब आएंगे सब आएंगे टेंशन ना लें सब आएंगे रुके जरा तो सर आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं आज की क्लास का नॉर्मल कॉन्सेप्ट हमारा यहीं तक है अब हम जो एंड में दस मिनट बात करते हैं अदर देन जब हमने एक ऑफ टॉपिक शुरू किया तो आज एक अच्छी सी बात आपको बताऊंगा कभी हम क्लाइंट की बात करेंगे कभी आपके फ्यूचर के हवाले से कभी बाहर की मार्केट और कभी हम जो बात करेंगे वो बात होगी क्या बात होगी सर वो बात होगी कोई प्रॉपर रिलीजियस या एथिकल बात ऐसी कोई ना कोई स्टोरी तो आज की शहर जो मैं अच्छी बात करने वाला हूँ आखिरी की उसमें ये उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा अब तक जो हमने पढ़ा है अगले जब हम हफ्ते में मिलेंगे तो इन कहानी को यहीं से आगे लेकर जाएंगे पूरा रिवाइज करेंगे तो आज की अच्छी बात एक रिसेंट लाइफ लेसन कह लें कुछ भी कह लें अक्सर कभी कभी हम कुछ चीज़ों को बहुत ज्यादा सीरियसली ले, ले, ले लेते हैं क्योंकि हम ऑडिटर हैं तो हमारी आदत है अनफॉर्चुनेटली जब आप ऑडिट फॉर्म में अभी जाएंगे काम करेंगे कुछ बच्चे कर रहे हैं तो हम और आप बहुत ज्यादा शक्की हो जाते हैं है ना सर हर चीज पे शक जिसको कहते हैं बदगुमानी वैसे ही अच्छी चीज नहीं है इस्लाम में अब सर सीन सुनिएगा कल में जाहिद नियारी जो बच्चे कराची में वो जानते जो कराची में नहीं कराची हैं तो जरूर जाहिद नियारी जाए सही है जाहिद नियारी तारीख रोड पे दोपहर में रोटी ले रहा था मतलब तो रोटी देते हुए यार मैंने एक लाइन थी लाइन देखी और मैंने कहा कि यार लाइन एक मतलब टोकन ले रहा है टोकन ले लोले आप लाइन में लग जाओ ना कटवा के मतलब आप पैसे कहीं और दे रहे हो हम लाइन में लगे हुए तो लाइन में तो कोई भी घुस सकता है पैसे दिए बगैर भी तो मेरे ऑडिटर दिमाग निकाल वीकनेस है भाई मैं आऊं सौ रोटियां ले लू सही है बीस रुपए की एक रोटी हो गई तो मैंने कहा भैया मैं तो ठीक ठाक जो है इनको चूना लगा सकता हूं अगर मैं वो करूं लेकिन मैंने कहा कि भाई जो है ना ये कोई कंट्रोल ही नहीं है तो मैंने कहा ये तो मेरे दिमाग में कह रही तो इनको बोलूं भाई क्या कर रहे हो यार फिर मुझे एकदम से एक कहानी याद है जो कहीं मैंने शायद सुनी थी पढ़ी थी वो कहानी बहुत अच्छी थी जो हम सबके लिए कहीं ना कहीं सबक है कि हर चीज़ को देखने का एक दूसरा पहलू होता है कहानी ये थी कि इसी तरीके से एक जो है ढाबा था एक फैक्ट्री के पास और उस ढाबे पे रोज़ सुबह एक वो फैक्ट्री के मुलाजमिन आठ बजे ऑफिस आ जाते थे और जाहिर सी बात है आपकी तरह लेट हो रहे होते थे नाश्ता वाश्ता करते नहीं थे तो फिर वो दस बजे जाते जो ब्रेक टाइम होता था उस टाइम पर ढाबे पे जाकर चाय वाय पीते थे और आप और मैं जैसे हम ढाबे बैठ के बिजनेस प्लान बनाते वो भी बिजनेस प्लान बना रहे होते थे तो पांच छह लोग दोस्तों का एक ग्रुप था वो बिजनेस प्लान भी बनाता था और वो देखता भी था वो देखता था कि यार एक बंदा रोज आता है रश के टाइम पे ऑर्डर देता है खाना खाता है और पतली गली से निकल जाता है पेमेंट नहीं करता तो उन लोगों ने एक डेढ़ महीना देखा बजार ये बंदा तो रोज ये कर रहा है रश का फायदा उठाता है रश के टाइम पे पे आता है खाए बगैर क्योंकि कभी आप ढाबे भी चले जाए ना होटल वोटल पे तो आप देखें सर ढाबे पे भी ढाबे वाला पठान जो होता है ना उसका कैश पे इतना अच्छा कंट्रोल नहीं होता है आप खुद पैसे दे देने तो दे, दे नहीं तो आप स्लिप भी हो सकते हैं कोई मसला नहीं है खेर उन दोस्तों ने भी देखा है ना आदमी डेढ़ महीने से चूना लगा रहे होटल के मालिक को खा रहा है पी रहा है और पतली गली से निकल रहा है वो होटल के मालिक के पास गए और उन्होंने होटल के मालिक को कहा कि यार ये आदमी जो है ना रोज आता है तुम्हारे यहाँ पे ना खाना खाता है रश का फायदा उठाता है और निकल जाता है हम डेढ़ महीने से इसको देख रहे हैं होटल के मालिक ने कहा बेटा मैं इसको डेढ़ साल से देख रहा हूँ लेकिन मैं इसको कुछ नहीं कहता बोला क्यों बोला मैंने मैंने इंक्वायरी की बेचारा ऐसे ही होमलेस सा पर्सन है तो मैंने कहा यार इसका खाने का इंतजाम ना अल्लाह ने लिखा हुआ है यहाँ पर बोलता है हो सकता है कि मेरी होटल में रश ही इसीलिए पूरा लगता हो कि ये आए बेचारा खाए और चुपचाप निकल जाए तो बोला यार मैं इसको देख रहा हूं मैंने अपने स्टाफ को भी बोला है कि इसको महसूस भी ना होने दो कि हम इसको ऑब्जर्व करें बोला ये आए जाए इसको जाने दो मतलब जैसा चल रहा है तो आप देखें एक मेरा और आपको ऑडिटर जैन कहता है कंट्रोल वीकनेस होटल का मालिक क्या कह रहा है यार हो सकता है इसी की वजह से अल्लाह रश लगवाता हूँ क्योंकि तो उसने तो सबके रिस्क का वादा किया हुआ है ना तो कभी कभी जो है चीजों का हम अलग एंगल से भी सोचा ये नहीं कह रहा कि हम वीकनेस जाने दें लेकिन सर कहीं ना कहीं अल्लाह ने रिस्क का इंतजाम किया हुआ होता है कई छोटा मोटा नुकसान हो जाए टेंशन ना लें हो सकता है अल्लाह ने इसके जरिए किसी का रिस्क लिखा हुआ हो क्योंकि मैं आपको एक्चुअली एक और छोटी सी बात बता दूं इसी से रिलेटेड बीच में कुछ हुआ यह कि यार अभी आज से कोई एक डेढ़ साल पहले मेरे घर में एक के बाद एक चीज खराब हो रही है मतलब यार कुछ नहीं ना तो आपको पता है लड़के इमेजिन क्रिकेट खेलते हैं अक्सर बैट पर उठा के घर तो में एक बैट है पता नहीं क्या हुआ कौन सा सीजन चल रहा था वर्ल्ड कप था तो मैंने भी बैट था बैट मैंने हल्का सा उस पर इमेजनरी और वो पुल शॉट लग गया टीवी पे टीवी की एलसीडी टूट गई फिर फिर इसके अंदर कोई मसला फिर किसी और चीज के अंदर कोई मसला तो मैंने कहा यार बहुत सारा नुकसान हो रहा है ये तो मैं थोड़ा सा मैंने कहा यार तो अल्लाह तो कोई हराम चीज खा पी रहा हूँ कुछ कर रहा हूँ हराम अल्लाह ना करे आमदनी आ रही क्या है मैं थोड़ा परेशान था मेरी अम्मा ने देखा बेटा परेशान क्यों है मैंने कहा अम्मा समझ में नहीं आ रहा एक के एक के बाद नुकसान हो रहा है यार घर में अम्मा ने कहा देख इसको इस एंगल से देख कि हो सकता है अच्छा उन दिनों ईद भी करीब वरीब तो कुछ ऐसा कोई कोई इवेंट कुछ ऐसा था ना ईद थी या कुछ था तो अम्मा ने कहा कि बेटा हो सकता है अल्लाह ने तेरे जो है जो जो तुझे रिस्क मिल रहा है उस रिस्क से किसी और को रिस्क भी पहुंचाना हो तो अल्लाह ने पूरा निज़ाम बनाया जब तक तेरा नुकसान नहीं होगा हमारा नुकसान नहीं होगा तो उसको रिस्क कैसे मिलेगा तो मतलब बाज दफा ये अल्लाह की माँ ने मुझे कहा अल्लाह की डिस्ट्रीब्यूशन होती है कि कभी कभी मतलब अगर सब चीजें बिल्कुल स्मूथ चले और आपका कोई खर्चा वर्चा इस किस्म का ना हो तो अगले को रिस्क कैसे मिले हम बीमार ना हो तो डॉक्टर का रिस्क कैसे मिले सही है सर तो कुछ ना कुछ अल्लाह को तो निजाम चलाना है ना सर तो हर चीज को देखने का एक अलग पहलू होता है एक और बात चले पर आ गए तो मैं एक आखिरी बात है, तो है। तो बीच में यार देखा फ्लैट में जाहिर लगता है मैंने कहा मैं इतने सारे लोग नहीं दे रहे और मैनेजमेंट इनके खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं लेती तो वहां पर भी मुझे थोड़ा सा बुरा लगा मैंने कहा तो ज्यादती है मैं पागलों मेंटेनेंस दे रहा हूँ हर महीने बाकायदगी से और मैंने कहा जब एक्शन ही कोई नहीं लेना तो मैं क्यों दू थोड़ा सा जज्बाती हो गया मैं तो अब्बा मेरे अब्बा को बोले अब को 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 यार कोई एक्शन को इनके खिलाफ लेता नहीं है तो हम भी इस महीने से मेंटेनेंस नहीं देंगे अब्बा ने कहा बेटा पता है पड़ोसियों के कितने हुकूक इस्लाम में कल कला कोई जो मेंटेनेंस नहीं देते ऊपर पकड़े गए ना कि इनकी वजह से जो पड़ोसियों को डिस्टर्बेंस आ रही है ट्रेबलेंस आ रही है कि बिल्डिंग में पैसे कम जमा हो रहे हैं खर्चे कम हो रहे तो तू भी इनके साथ खड़ा होगा अब्बा ने कहा देख ले अगर तू ऊपर इनके साथ खड़ा हो सकता है पड़ोसियों के हुकूक की मतलब जो है हक तलफी करके तो सहीस जमा नहीं करा वरना करा दे तो कभी कभी बुजुर्ग आपको कोई ना कोई आपको कोई दूसरी पिक्चर दिखाता है और आपका एकदम से व्यू क्या हो जाता है चेंज तो इन चीजों का ख्याल रखें मिलते हैं इन अगली क्लास में थर्सडे को पौने सात बजे अपना ख्याल रखिएगा दुआओं में याद रखिएगा अल्लाह आप इस कोई सवाल है तो मैं कर दूंगा बेटा इन्हीं की प्रैक्टिस करने बाद अभी जो है ना सुकून में जिंदगी गुजारे टेंशन ना लें अच्छा एक सवाल आया है सवाल ले लेता हूं पहले आये फाइव से आये में कर रहे होंगे हम तो ट्रांसफर करते हुए शाफे ये वाला रूल रखना है लोअर ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट और रिकवरल अमाउंट चाहिए सर और इस केस में अच्छा सर आपने लगता में वैल्यू इन यूज नहीं होती इस केस में वैल्यू इन यूज हो जाती है रेलिवेंट और इंपॉर्टेंट तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं हम मिलेंगे इनशाला अगले हफ्ते अल्लाह हाफिज बेटा